मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस कर रहे थे विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत शक्ति, आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? जब भी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित कर देते हो तो एकांत समय में किया गया कार्य जो होता है परिपथ द्वारा, एकांत समय में किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत शक्ति कहलाता है। जिसे किसके द्वारा करते हैं? पी द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, तो क्या हुआ? डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो एकांक समय में किया गया कार्य की जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एकांक समय में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक सामान्य रूप से लेते हैं, वो लेते हैं वाट। इसे डब्ल्यू द्वारा करेंगे, इसके द्वारा करें डब्ल्यू द्वारा, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है इससे समझ डब्ल्यू कार्य सूत्र निकालने, तो वी बराबर क्या होता है? विभव सूत्र से डब्ल्यू अपॉन पी होता है, नहीं होता है। और डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा? वी इंटू क्यू। आ गया नहीं आ गया? अब देखिए इससे संबंध यदि हम देखें, ये मान यहाँ पर रखते हैं डब्ल्यू का, इसलिए पी बराबर वी इंटू क्यू अपॉन टी। चूँकि धारा सूत्र से क्या कहता है? क्यू अपॉन टी कहता है आई होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? पी बराबर वी इंटू आई। तो ये फॉर्मूला भी यूज लिया जा सकता है, ये भी यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। और एक और ले सकते हैं, चूंकि ओम नियम से, ओम नियम से वी बराबर क्या होता है? आई आर। वी यहाँ पर क्या विभव, इसलिए आई आर इंटू आई। यहाँ पर मानक दिया वी का, पी बराबर क्या गया? आई स्क्वायर आर। तो ये तीन रूप के आधार पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। किसी भी जो विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया जो कार्य होता है या एकांत समय में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहते हैं? जो शक्ति कहलाती है, जिसे पी द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। वाट का शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है। और अन्य भी मात्रक होते हैं, अश्वशक्ति, ठीक है ना, ऐसे किलोवाट, मेगावाट। एक अश्वशक्ति कई बार आपने देखा होगा मोटर दिखाता एच पी, 1 HP, 2 HP। एच का अर्थ है हॉर्स, पी का अर्थ है पावर। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, होता है 746 वाट। दूसरी आता कहीं पर मेगावाट, किलोवाट भी होता है इसका, है ना मात्रक। इसी प्रकार देखिए ना, आपको पूछ रहा था 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट 10^3 वाट। एक इसी प्रकार किलोवाट में बता दिया, इसी प्रकार मेगावाट होता है, तो मेगावाट में कितने लिखोगे? 10^6, ठीक है ना। जैसे आ जाए 1 मेगावाट, MW लिखते हैं मेगावाट को, 10^6 वाट, ठीक है। और इसको लिखते हैं HP, यदि 1 HP बराबर क्या लिख सकते हैं? 746 वाट, तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला अपना टॉपिक है, इसी से संबंधित है, तो धारा का तापीय प्रभाव। धारा का तापीय प्रभाव, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए जब किसी विद्युत उपकरण में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है? उच्च प्रतिरोध स्थापित कर दिया जाता है, तो प्रवाहित जो धारा होती है वो ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में बदल जाती है? ऊष्मा के रूप में। यह जो ऊष्मा होती है विद्युत शक्ति तथा समय गुणनफल की क्या होती है? तुल्य होती है। इस प्रकार लिख सकते हो, या इसमें कई बार बताया जाता है कि जैसे प्रेस आपने देखी होगी
तो उस केस में जैसे भी तो धारा वर्क करते हैं तो धारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, उष्मा के रूप में हो जाती है। किसके रूप में हो जाती है? उष्मा के रूप में। क्यों? क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध लगा होता है, और प्रतिरोध क्या करता है, प्रवाह धारा किस में परिवर्तित कर देता है, उष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या बताया गया है कि कोई भी आप विद्युत परिपथ ले लीजिए, ठीक है ना, उसमें आपको पता है जो रासायनिक ऊर्जा होती है, या मान लीजिए कोई शेर उसकी रासायनिक ऊर्जा है, वो समय अनुसार किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और उसके प्रतिरोध के कारण, सेल के स्वयं के प्रतिरोध के कारण जो कुछ ऊर्जा होती है वो उष्मा के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। और यदि किसी परिपथ में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाए तो संपूर्ण जो ऊर्जा होगी वो किस में बदल जाएगी, उष्मा के रूप में बदल जाएगी। तो उष्मा के रूप में बदलती है तो ये जो उष्मा होती है वो विद्युत शक्ति और समय गुणांक की क्या होगी, तुल्य, जिसे कैपिटल एच द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है ना। तो यदि आपको पूछा जा रहा है विद्युत धारा का तात्विक प्रभाव किसे कहते हैं, तो क्या बताया जाता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में उच्च प्रतिरोध स्थापित कर दिया जाता है तो संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में बदल जाती है या क्षयित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तात्विक प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा विद्युत स्त्री होती है, विद्युत हीटर होता है, विद्युत गीजर, इसमें संपूर्ण जो विद्युत धारा है या ऊर्जा है किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षयित या उष्मा के रूप में बदल जाती है। ठीक है ना। जो विद्युत शक्ति और समय गुणन की क्या होती है, तुल्य होती है। ठीक है। इसे जूल का तापन नियम भी कहा जाता है। देखिए चूंकि हमें पता है पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, नहीं होता है, इसलिए एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ आई क्या है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, आर विद्युत परिपथ का प्रतिरोध, टी समय कितने समय तक धारा प्रवाहित की गई है। ठीक है ना। तो तापीय प्रभाव में उत्पन्न जो उष्मा होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उष्मा के मान में वृद्धि होगी, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो उष्मा के मान में वृद्धि होगी क्योंकि समानुपाती है, और जितने अधिक समय तक प्रवाहित करेंगे धारा तो उतने अधिक समय तक क्या है, उष्मा प्रवाहित उष्मा उत्पन्न होगी। तो इससे समय देखिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। विद्युत जो खर्च होती है जिसे आप कहते हो बिजली उपभोग, उसका जो मात्रक होता है वो होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है ना। जिसे यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट। ठीक है। किसी भी उपकरण की आपको यूनिट निकालनी हो तो जो राशि आपको दी गई उसको गुणा और समय का, सॉरी कार्यफल किसका कर दीजिए, आधार का, इसी संबंध आपको बताएंगे। यदि आपको पूछ लिया जाए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं तो 36 × 10^5। ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा में जूल पूछ लिया जाए 36 × 10^5 क्या होती है यूनिट, किसी भी उपकरण द्वारा खर्च की गई जो विद्युत होती है, विद्युत ऊर्जा जो होती है उसका मात्र होता है यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, और इसमें कितने जूल होते हैं, 36 × 10^5 जूल होते हैं। अब देखिए इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। दस वोल्ट के संधारित्र सेल से 10 वोल्ट के संचायक सेल से 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की 50 ओम की 50 ओम नाइक्रोम की कुंडली को जोड़कर कुंडली को
जोड़कर एक घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। एक घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है। एक घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या कीजिए? तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या कीजिए? ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 वोल्ट की संचायक सेल्सियस में आपको दे रखा है, तो विभव का मान दे दिया 10 वोल्ट। आर की वैल्यू दे रखी है 50 ओम नाइक्रोम की एक प्रतिरोध कुंडली है। टी की वैल्यू एक घंटा एक वन आवर सेकंड में बदलेंगे तो एक घंटे कितने सेकंड होती है? 3600। तो टी बराबर कितनी हो गई? 3600 सेकंड। ठीक है, कह रहा है उसका का मान ज्ञात कीजिए, एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है एच की। तो एच बराबर क्या था? आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आर है टी है लेकिन आई नहीं है, तो ओम नियम से पहले आई निकालते हैं। ओम नियम से क्या कहता है? वी बराबर आई आर। आई की वैल्यू निकालेंगे, आर कहाँ रहेगा बाद में। आई बराबर वी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू कितनी है? 400। एक होता 5 एम्पियर। धारा मात्र क्या होता है? एम्पियर से द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी होगी? 1/5 एम्पियर। अब हम जूल के तापमान नियम से या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा उसमें सूत्र क्या होता है? एच बराबर है उसका आर टी। एच बराबर आई, आई वैल्यू 1/5, 1/5 बड़ा 1/5, आर की वैल्यू 50 और टी की वैल्यू 3600। ठीक है, ये तो कट गया 10 बार, ये कट गया 2 बार, 2×3600 तो एच बराबर 7200 जूल। उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना गया? 7200 जूल। तो पहले आप धारा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, फिर उत्पन्न ऊष्मा जो सूत्र होता है यूज में लीजिए, उसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा है। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाह धारा 0.5 एम्पीयर है। उसमें
पंडित वैकतारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति याद कीजिए, लेकिन सुनिए क्या लिखेंगे, इसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट, तो V की वैल्यू दे दिया आपको 220 वोल्ट, इसे जोड़ने पर उसमें क्या है धारा, I की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर, कह रहा है विद्युत शक्ति याद कीजिए, P की वैल्यू याद करनी है, तो विद्युत शक्ति सूत्र से वोल्ट और धारा क्या के तो इसे समझ तो क्या होता था V इंटू आई, वी की वैल्यू कितनी है 220, 0.5 आई की वैल्यू 110 वाट, ई की वैल्यू कितनी आएगी 110 वाट प्राप्त हो गई, ठीक है ना। एक छोटा सा उदाहरण और देख लीजिए, इसमें विद्युत वेग याद करनी है आपको, दो बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलती हैं, एक दिन में कितने विद्युत ऊर्जा होगी, क्या कह रहा है देखो अगला क्वेश्चन, दो बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन, दो बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन में 30 दिन में विद्युत वेग कितनी होगी, कितनी होगी, साइंस में देखते हैं विद्युत वेग का फॉर्मूला इसके दाल करते हैं, तो दो बल्ब रहते हैं, रहते हैं दो बल्ब इसके दाब निकालते हैं, विद्युत वेग 100 वाट के 8 घंटे चलते हैं 30 दिन तक, तो क्या लिखते हैं विद्युत वेग बराबर, विद्युत वेग बराबर विद्युत शक्ति प्रति गुणा समय, दो शक्ति से समझ लेते हैं, तो बल्ब कितने हैं 2 गुणा 100 वाट के हैं गुणा 8 घंटे चलते हैं, 30 दिन के लिए निकालनी है, कैंसिल कैंसिल 48 मिनट, कितने मिनट आ जाएगी 30 दिन की 48 मिनट प्राप्त होगी, ठीक है ना, तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, इस प्रकार यूनिट ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो जैसे इसमें एक यूनिट का मूल्य देते 5 रुपये, तो क्या करते हैं विद्युत खर्च यदि एक यूनिट का मूल्य 5 रुपये हो तो 48 को किसी गुणा करते हैं 5 से 8 40 240 रुपये, कितने का बिल आता है 240 रुपये का बिल आता, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे समय क्वेश्चन कर सकते हो, आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, गुड बाय।